छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे। नंबर एक, मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज होती है। नंबर दो, नहाने के बाद काला नमक चख लिया करो, बुढ़ापा देरी से आएगा। रोजाना किशमिश खाने वाले इंसान को जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। नंबर तीन, एक गिलास दूध में सौंफ बादाम और मिश्री का मिक्सर बनाकर पीने से यह आपकी आंखों की सेहत को बेहतर करेगा, इससे रोशनी तेज होगी। रात में सोने से पहले आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसके फायदे दोगुनी मिलेंगे। सौंफ का सेवन आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, इससे आपकी सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। नंबर चार, जो बच्चे चीनी का ज्यादा सेवन करते हैं उनका लिवर जल्दी खराब होने लगता है। नंबर पाँच, पेट में कीड़े होने पर पेठे का सेवन करें, इससे कीड़े खत्म होंगे और भूख भी लगने लगेगी। नंबर छह, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा है तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर सात, जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर आठ, अगर ज्यादा वजन बढ़ रहा हो तो कद्दू का जूस बनाकर पिए, वजन कम होने लगेगा। नंबर नौ, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो तो करेले की सब्जी बेहतरीन होती है। नंबर दस, रोटी खाने से पहले एक खजूर का दाना खा ले तो खाया पिया जल्दी हजम हो जाता है। नंबर 11, अगर पेशाब में जलन हो तो सुबह के नाश्ते के साथ एक अंजीर खाएं, जलन दूर हो जाएगी। नंबर 12, जो लोग दही का रोजाना सेवन करते हैं उन्हें कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 13, पुदीने की चटनी खाने से नींद कम आएगी। नंबर 14, खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है। नंबर 15, कपड़ों का पीलापन दूर करना हो तो कपड़े पर नींबू का रस लगाकर कुछ देर छोड़ दे, दाग दूर हो जाएंगे। नंबर 16, नींबू का रस ज्यादा निकलना हो तो पहले नींबू को दोनों हाथों से मस ले और फिर उनको काट कर इस्तेमाल करे, इससे नींबू का रस ज्यादा निकलेगा। नंबर 17, खाली पेट जानबूझकर खान लिया करे, इससे सीने की बलगम खुलकर आएगी। नंबर 18, पानी ज्यादा पिया करे, गुर्दे खराब नहीं होंगे। नंबर 19, अगर वजन कम करना हो तो रोजाना पपीता खाए। नंबर 20, खाने में ज्यादा घी का सेवन करने से गले में इंफेक्शन हो जाता है। नंबर 21, जिन लोगों को शरीर में दर्द रहता हो वह मखाने दूध में डालकर खाएं, इससे शरीर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 22, अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो चावलों के पानी से सर को धोने, इससे आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। नंबर 23, अगर आप रात को सोते समय एक गिलास पानी और एक लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज, तेजाब और पेट दर्द नहीं होगा। नंबर 24, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता रहता है तो रोजाना सुरमा या काजल लगाएं। नंबर 25, सलाद का सेवन रोज आना करें, इससे आपका पेट बाहर नहीं आएगा। नंबर 26, बासी मूंग सेब का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है। नंबर 27, रोजाना दूध का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और हड्डियां भी मजबूत होती है। नंबर 28, जो लोग रोजाना केला खाते हैं ऐसे लोगों का वजन बढ़ाना शुरू हो जाता है। नंबर 29, हरी और पीली शिमला मिर्च झुर्री को गायब करने के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 30, खांसी ना जा रही हो तो दूध में बताशे डालकर पिए, इससे खांसी में जल्दी आराम आ जाता है। नंबर 31, चेहरे पर खुजली हो तो गुलाब का अर्क लगाएं। नंबर 32, कम सोने वाले इंसान को शुगर घेर लेती है। नंबर 33, दालचीनी का सेवन करने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। नंबर 34, कद्दू के बीजों का सेवन करने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। नंबर 35, गाय के दूध का सेवन करने से नाखून, आंखें और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नंबर 36, नीम के पत्तों से नहाने से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 37, चाय में चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ या देसी खांड मिलाकर पिए।
नंबर 38, बहुत गर्म चीज खाने से दिल कमजोर होने लगता है। नंबर 39, रोजाना सुबह बासी में एक कली लहसुन की पानी के साथ सेवन करने से पेट संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। नंबर 40, चेहरे पर रात को रोजाना कच्चा दूध लगाकर सोने से चेहरे की स्किन निखर जाती है। नंबर 41, पेट की गर्मी से बचना हो तो सौंफ वाला दूध पिए। नंबर 42, कब्ज की शिकायत हो तो ठंडा पानी कम पिए, हल्का गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है। नंबर 43, अगर अच्छे चावलों की पहचान करनी हो तो चावलों के दाने तवे पर गर्म करें और थोड़ी देर में दाने पिघलना शुरू हो जाए तो यह चावल अच्छे नहीं है। नंबर 44, शुगर और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना मेथी दाना का सेवन करें। नंबर 45, अगर दांतों को कीड़े लगने से बचाना है तो रोजाना रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर कुल्ला करें। नंबर 46, चेहरे पर धूप के निशान खत्म करने के लिए बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और जब सूख जाए तो चेहरे को धो लें। नंबर 46, मुंह धोने या नहाने के बाद चेहरे की स्किन को ज्यादा तौलिया से ना रगड़े, आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 47, सुबह समय से ना उठने पर दिमाग कमजोर होने लगता है। नंबर 48, रात के समय आलू ज्यादा ना खाएं, इससे बवासीर की दिक्कत हो सकती है। नंबर 49, अगर आपको थायराइड की दिक्कत हो तो रोजाना रात को एक चम्मच सूखा धनिया एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट छान कर पी जाए, रोजाना इसका सेवन करने से थायराइड में आराम मिलता है। नंबर 50, जो औरतें दूध में सौंफ डालकर पीती है उन्हें कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। नंबर 51, मेथी दाने का इस्तेमाल करने से साइन की तकलीफ और बलगम बनने जैसी बीमारी दूर होती है। नंबर 52, अगर रात में सोने के बाद आपकी नींद खुलती है तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जुकाम या खांसी की समस्या हो सकती है। नंबर 53, महिलाएं बालों में कच्चे बादाम और अंडे की जर्दी लगे बालों के लिए सबसे अच्छा कंडीशनर है, इससे बाल लंबे घने और मुलायम होते हैं। नंबर 54, महिलाएं सूखा नारियल और गुड़ खाएं, बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 55, अस्थमा की समस्या में नारियल और गुड़ का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 56, नारियल और गुड़ का सेवन करने से हमारे शरीर का मोटापा कम होता है। नंबर 57, नारियल और गुड़ के सेवन से त्वचा संबंधी कई समस्या खत्म हो जाती है। इसमें एंटी एजिंग पाया जाता है जो कि त्वचा में झुर्रियां और एक्ने की समस्या से बचने में मदद करता है। हमारी ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपकी कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर ये नियम अपनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।